स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराड्यम वंदे निखिल गदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं एक दो लोगों को कोहोस्ट बना देता हूँ, फिर हम लोग संभाषण आज शुरू करेंगे। आज 29 अगस्त की संभाषण बहुत ही सुपरहिट होने वाली है, और आप लोग कुछ बोलिए अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए, आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। सर वो मैंने आपसे केस डिस्कस किया था ना, जो पेशेंट को अर्टिकेरिया टाइप के पैचेस हो गए थे। हाँ हाँ, तो सर उसको मैंने वो चलाया गंधक रसायन, और जैसे आपने सजेस्ट किया था किया, तो उसको जो है 4 आवर्स का रिलीफ आया। 4 घंटे उसको नहीं हुए वो पैचेस, पर 4 घंटे के बाद दोबारा उसको फिर शुरू आपने हो क्या दिया थे? क्या दिया दवाई? तो सर मैंने उसको गंधक रसायन दिया था महामंजिष थादी के साथ, ठीक है। और जब मैंने हिस्ट्री ली थी सर, तो उसको हिस्ट्री थी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, और सारा उसका जो आहार विहार था वो सारा पैतिक था, और प्रकृति भी उसकी पैतिक थी। तो बेसिकली वो जो है जैसे खाना भी खाती थी, तो सर उसमें ना स्पाइसेस और वो सारे बहुत ज्यादा होते थे, प्लस उसमें जो है ना जैसे विहार का भी था, तो उसको गुस्सा भी ज्यादा आता था, इरिटेशन ज्यादा थी, उसकी वजह से उसको पीरियड्स में भी प्रॉब्लम हो रही थी और स्किन के सारे प्रॉब्लम हो रही थी। तो सर मैंने उसको जो है दूध शेखर रस दिया, गंधक रसायन महामंजिष्ठ आदि के साथ दिया, प्रवाल पंचामृत दिया, सारा पित्त शामक दिया, प्लस उसको जो है मैंने अभ्यारिष्ट जीर्काद्यरिष्ट और हरित की टैबलेट जो है वो मैंने रात को दिया सर, ताकि उसको थोड़ा मोशन भी ठीक आ जाए, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ आया। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सर इस मामले में अगर हमें उसको इमीडिएट रिलीफ देना है, जस्ट लाइक एंटी एलर्जिक हम उसको नहीं खिलाना चाहते हैं, और यदि हम अपना कुछ देना चाहते हैं, तो हम अपने उसमें क्या दे सकते हैं? और सर साथ में मैंने थॉट पूछ लिखकर विरेचन क्यों नहीं दिया सर? विरेचन का मतलब वो मुझे भी बाद में लग रहा था कि मैंने ना वो पॉइंट मिस कर दिया है। यस सर, वो आप सही कह रहे हैं सर, वो मैं नहीं दिया, बल्कि मैंने दाढ़ी मस्तक चूर्ण उसको दे दिया था कि थोड़ा सा पित्त शमन हो जाए, बट ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो मैं मिस कर गई सर पॉइंट। हाँ, रक्तमोक्षण और विरेचन करा दीजिए, देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। सर इसमें जो विरेचन कराएंगे सर, वो किसमें आप सजेस्ट करते हैं, किससे कराऊं? त्रिवृत्त लेयम ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ओके ठीक है। और सर मेरी एक और क्वेरी थी कि जो गंधक रसायन है उसके साथ ना हम सर सॉल्ट बंद कर देते हैं, सॉल्ट और मिर्च मसाले, लेकिन अगर पेशेंट नहीं करना चाहे तो सर हम उसको फिर डाइट में क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आप दे सकती हैं ऐसे, इतना भी स्ट्रिक्टली नहीं होता है कि नहीं देना है, क्योंकि तो मान लो मैंने गंधक गंधक रसायन रसायन के साथ नमक कम तो दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है।
सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे गंधक रसायन की दो दो टैबलेट सुबह शाम मैंने उसको दे दिया है, ब्रेकफास्ट में दे दिया और डिनर में दे दिया, तो हाँ, जैसे उसके कितनी देर बाद जो है वो ब्रेकफास्ट में नमक खा सकती है? अच्छा 1 घंटे बाद, आधा घंटा बाद 1 घंटे बाद हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं उसको? होती प्रॉब्लम, या और हम मैक्स, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा ठीक है, लेकिन या ये फिर हम कहाँ से आपने पढ़ा है कि नमक नहीं देना चाहिए गंधक रसायन के साथ में? सर वो आपने डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम कि समीर जमा दग्नी सर ने जो है जब गंधक रसायन सेवन किया था तो उन्होंने सिर्फ दूध और राइस खाया था और उससे वो तो उसने उन्होंने रसायन काफी के लिए जल्दी। खाया था, वो तो रसायन के लिए गंधक खाते थे सर, ऐसे अच्छा, ओके, बस ऐसे मुझे नॉर्मल वही प्रैक्टिस ध्यान था में देते हैं नहीं। वो तो सर का अलग है, वो तो स्किन अच्छा करने के लिए सर ने वो अलग से किया था। ओके ओके, मुझे यही था कि सर ने नहीं खाया तो फिर हम कैसे पेशेंट को दे हम सकते हैं? दे सकते हैं, हम रूटीन में देते हैं ना, पेशेंट बोले नमक मत खाओ तो पेशेंट हमको ही छोड़ देगा, नमक नहीं छोड़ेगा। हाँ सर, मुझे भी एक्चुअली 2 दिन से यही लग रहा था कि सर से पूछूं कि इसका क्या सोल्यूशन हो और सकता है। जमदग्नि सर का बात रहे, उन्होंने उसको रसायन के रूप में सेवन किया। अब जैसे अच्छा, आततपिक रसायन होता है और एक कुटी प्रावेशिक रसायन होता है, तो जी सर, च्यवनप्राश तो लोग ऐसे भी खाते हैं तो, और कुछ हाँ वैसे भी जी खाते हैं, तो इस तरह से जो प्रयोजन से किया जाए उसका अलग इफेक्ट आता है। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक थैंक यू, आप दीजिए और रक्त मोक्षण भी कराइए, बहुत अच्छा बढ़िया रिजल्ट आएगा। सर, मैं करा के फिर आपको बताती हूँ सर। थैंक ठीक है, थैंक यू मैम। यू सर। हाँ, अभी और कोई कुछ बोलना चाहता है? डॉक्टर अजनप्रीत जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए प्लीज, आपका कुछ एक्सपीरियंस या कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए। गुड आप क्या एमडी कर रही हैं क्या, डॉक्टर अजनप्रीत जी? इवनिंग सर। हाँ, आप एमडी कर रही हैं, नहीं सर, अभी तो नहीं, अच्छा तो मतलब मैंने बताइए। फॉर्म भरा था सर, ऐसे तो कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ फॉर्म भर दिया आपने ये साल का? जी सर, थैंक चलिए, आपका बहुत अच्छा से होने वाला है, अच्छा कॉलेज मिलने वाला है आपको। हाँ यू सर। ठीक है, कब है एग्जाम एंट्रेंस का? अच्छा, सर अभी तो डेट आई नहीं है। हाँ और भी जी, लोगों ने भरा है तो आपको टॉप करना है। एक मिनट में पहले सब लोगों को म्यूट करता हूँ, फिर बात करता हूँ, जो लोग नए जुड़ते हैं ना उनको मालूम नहीं होता है इसलिए गड़बड़ हो जाती है। हाँ अजनप्रीत जी, आप अच्छा से पढ़ाई करिए तो आपका हो जाएगा अच्छा कॉलेज में। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर संतोष जी, कुछ बताना चाहती हैं आप, कुछ एक्सपीरियंस? डॉक्टर श्वेता जी, आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं सबसे? श्वेता जी शायद बिजी हैं। डॉक्टर मंजीत जी, कुछ बताइए अपना एक्सपीरियंस, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपके वो पेशेंट कैसे हैं, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप, एक बार देखिए आप लोग। हो रहा है सर, अनम्यूट हो रहा आप मनप्रीत जी जाइए मत, आप बताइए मंजीत जी, कुछ एक्सपीरियंस बता के जाइए। संतोष जी आप बताइए कुछ एक्सपीरियंस। है। प्रणाम हाँ मिश्रा जी बताइए सर, प्रणाम बताइए। सर, वो पेशेंट आए थे ना रजनी, रजनी जी कौन मुझे ओबेसिटी के लिए आए थे, वो 90 kg वेट। मुझे याद नहीं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं। हाँ तो बताइए आपको क्या बताना है। हाँ तो सर उनका तो ना काफी नीचे और उनको एंकल में काफी दर्द था ना, हाँ तो केवल हमने अग्निकर्म किया सर, तीन तीन सिटिंग, और अच्छा, अग्निकर्म से मतलब दूसरे सिटिंग में ही 90% 99% ठीक। कहाँ पर अग्निकर्म किया आपने? एंकल के नीचे सर। अच्छा ठीक है, बहुत वार बढ़िया कंटक जिसे कहते हैं सर, जी। तो काफी आज वो बार बार कह रही हैं कि मेरा वेट कम होगा कि नहीं होगा, नहीं तो वो आपने जबकि क्या उनका दवाई दिया है और क्या पत्थे पत्थे बोला है? एक तो लंघन के लिए मुझसे बोला है, तो लंघन वो कर रही हैं।
और लंघन के साथ साथ मैंने दवाइयां मैंने दी थी सर, मैं बता रहा हूँ। बताइए। उनका जो शरीर में एक तनाव था सर ना, वेट के कारण काफी थायराइड और इसके वजह से वो तनाव पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब कल भी आई थी वो, वेट 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 सर कभी कम नहीं हुआ है, लेकिन तनाव खत्म है। मैं दवाई अभी बता रहा हूँ सर। जी सर, एक पेशेंट हाँ उसको बोलिए। रात को 8:30 बजे खांसी आती है, क्यों, क्या हेतु क्या मिल रहे हैं? लेटते हुए खांसी आ रही है। हेतु में सर अभी उसकी मदर को कोविड हुआ था अभी, मतलब 1 हफ्ते पहले कोविड आ रहा था। उसको भी पहले कोविड हुआ था, जब पिछली बार कोविड मतलब सिम्टम आए थे तो ज्यादा नहीं था, 6-7 दिन का दिक्कत था, लेकिन उस समय भी उसको कफ नहीं निकल रहे थे। जी ठीक ना सर, और उसको कोलेस्ट्रॉल की तो प्रॉब्लम है, पाचन की समस्या तो है ही। जी तो हेतु में सर मुझे तो उसको अभी हेतु में मुझे ज्यादा ऐसा कुछ कफ तो दिखा नहीं सर। नहीं, हेतु निकालिए, हेतु क्यों हो रहा है कि लेटने के बाद खांसी आ रही है? हेतु निकालिए, हेतु। कुछ खाने पीने में रुक्ष चीजें खा रहे हैं क्या, या कफ वर्धक? रात्रि जागरण हो रहा है क्या, रिवर्स ऑफ हो रहा है? रात्रि जागरण है का सिस्टम पे काम है सर। हाँ, तो वही हेतु निकालिए और उसको बंद करा के उसके हिसाब से चिकित्सा करिए। तो ऐसे केसेस में गाय खांसी जो होती है जो रात को परेशान करती है 9:30 तक, घृत पान कराइए, कंठकारी घृत, कंठकारी घृत ना, रोशनादि घृत, घृत पिलाएंगे या नॉर्मल घी भी खिलाएंगे खांसी की दवाई के साथ तो फायदा हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ घी, दे रहा हूँ गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी डाल के। 1 चम्मच से नहीं और होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, अग्नि को बढ़ा के थोड़ा घी को ज्यादा दीजिए, 4 चम्मच दीजिए। सर ऐसी वृक्ष कास अगर रहती है ना तो उसमें यष्टि मधु टेबलेट भी अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा उनको चूसने के लिए दे सकते हैं। मेरे पेशेंट्स में उससे रिजल्ट मिलता है, मतलब कोई रीजन नहीं है, ऐसे ही कई कई बार से मतलब उत्क्लेश की वजह से भी होता है, इरिटेशन होता है तो जी। और इसमें अगर हमें एलादी चूर्ण, जैसे उसमें आप पढ़ा रहे थे सर उसमें अष्टांग में सुबह की क्लास में, तो सर इसमें हम जो एलादी चूर्ण है वो किसके साथ देंगे, शहद के साथ देंगे सर? हाँ दे सकते हैं जी सर, थैंक यू सर जी। सर जो उसमें चला है सर ना, जिसमें रजनी को जो मैं दे रहा हूँ, तो पटोल मूलादि का उपवास चल रहा है सर, हंस पाद आदि को चल रहा है, और साथ में मैंने चित्र ग्रंथ आदि को हाथ मिला के तीनों मिक्स करके दिया था सर, और गोवर के साथ। और सर मैंने इनको दिया है एक तो मानस मित्तम गुटिका चल रहा है सर, पंचतृ घृत और दाढ़ी अष्टक चूर्ण के साथ चल रहा है सर, और एक आरोग वर्धनी चल रही है सर, और इनको एक मांस पाचक चल रही है सर जी, ये दवाइयां चल रही सर, और कैशोर भी दिया था सर मैंने। अच्छा, तो वेट लॉस करने के लिए स्पेशल क्या दिया है? अभी वेट लॉस करने के लिए स्पेशल कुछ नहीं दिया सर मैंने, और केवल लंघन करा रहे हैं। लगन करा रहा हूँ सर, और मैं पुनर्नवा का योग दिया था सर, एक पुनर्नवा एलोवेरा हमारे पास है उसका योग दिया था वेट के लिए, पुनर्नवा का क्वाथ है ना, ये दिया था। और बहुत वेट कम करने के लिए भी मैंने कुछ स्पेशली ऐड नहीं किया, एक तो ना जी ना दीपन ही पाचन दे रहा था सर जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप रिजल्ट बताइएगा कैसा लग रहा है, और वेट लॉस के लिए क्या देंगे स्पेशल? हाँ, दूसरी चीज सर मैं पूछा था कि मैंने इसको जो ये घृत लिया था ना, पंचतृक घृत और दाढ़ी मास्टर चूर्ण के साथ, पेशेंट ले नहीं रही है, घृत का आने को तैयार नहीं है, बोल रही है कि मैं बमन नहीं करूंगी, विरेचन नहीं करूंगी, जिससे मैं घी खा ही नहीं सकती, कैसे कैसे हो? जरूरी नहीं है कि आप बमन विरेचन से ही करें, शमन से भी करते जाइए ना ट्रीटमेंट। अच्छा, शमन से भी? हाँ ठीक है,
आप ठीक है कुछ सर। और ऑप्शन से भी तो ठीक कर सकते हैं। जरूरी है क्या कि सबको पकड़ पकड़ के वमन ही कराए हम? नहीं, ऐसा नहीं, इससे पहले तो हम समन से ही करते थे 10 सालों आप तक करिए समन। ना, हमें तो पेशेंट टूटना नहीं चाहिए, ये कोशिश हाँ, करते हैं। 10 सालों से तो समन से तो कर ही रहे हैं सर। हाँ तो शमन, आपका इतना एक्सपीरियंस है तो उसका भी अप्लाई करिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर, फिर बताइएगा रिजल्ट। सर वो जो बमन जिनका कराया था सिंगला जी का, वो उनका कल की कल पूरा हो जाएगा सर, मतलब नॉर्मल हाल भी पूरा हो जाएगा 15 दिन। जी ठीक है ना। और वो जो फार्मासिस्ट अंकल है वो कैसे है? मिश्रा जी चले गए क्या? हाँ नहीं बोलिए सर। वो फार्मासिस्ट है वो कैसे हैं? सर वो आ ही नहीं रहे, फोन भी कल नहीं उठाया था उनको दो वो तीन ठीक बार। है कैसे? वो इधर मत है, वो तबीयत कैसे उनकी? ठीक है सर, उनसे मैं बताया था ना कि 3-4 दिन पहले मिला। हाँ तो अभी ठीक है तबीयत? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आशा जी और कंचन जी आप सुन रही हैं क्या? आप लोग हैं यहाँ मिला पे? था वो सूजन का, पेट कम था मुझे। जी सर, जी कंचन सर, मैम आप थोड़ा 5 मिनट संभालिए ना, मैं पानी पी के आता हूँ। जी कंचन सर, लेक्चर 5 मिनट संभालिए थोड़ा। यस यस, बोलिए सर। हेलो, बात करिए सर। हेलो अभी हेलो, वीडियो वायरल करते हैं हम लोग। हाँ हाँ बोलिए, किससे किसको बात करनी है? सब आरती मैम आपको बात करनी है, बोलिए जी मैम। बोलिए मैम। हाँ जी नमस्कार मैम। मैम मैंने पूछना था, जैसे मैं एक पेशेंट को मात्रावस्थी दे रही हूँ, तो उसका जैसे इवनिंग में मात्रावस्थी दिया और 12 से 13 घंटे उसका वस्ती जैसे बाहर नहीं आया, बट फिर उसके बाद ना थोड़ा उसको गैस फॉर्मेशन हुआ और जस्ट ऑयल ऑयल थोड़ा थोड़ा बाहर आया। तो मतलब जैसे इतनी देर मात्रावस्थी बाहर नहीं आया, तो नेक्स्ट डे क्या हमें देना चाहिए या मतलब नहीं? देना चाहिए मैम, क्योंकि उसमें रुक्षता ज्यादा होगी ना, तो वो एब्जॉर्ब कर लिया होगा, उस जितना बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उतना अच्छा रहेगा नेक्स्ट। एक्चुअली वो इसलिए परेशान थे क्योंकि जैसे ऑफिस वगैरह जाना था, तो मतलब सुबह में उसको जैसे ऑयल ऑयल सा निकल रहा था, तो बार बार उसके कपड़े मतलब गंदे हो रहे थे, तो इसलिए उनको ये था कि अगर मोशन आ जाए, बट मोशन आया नहीं, तो इसलिए तो मैंने ये पूछा। कुछ अनुलोमन के लिए दीजिए और 1-1 डे का गैप जी देके फिर हाँ, नेक्स्ट डे दे दीजिए। अजमोदा आदि चूर्ण दिया था, तो फिर जब बार बार हुआ तो फिर मैंने उनको सर की विरेचनी टेबलेट थी तो वो दिया, तो उससे तो उनका काफी बार पेट साफ हो गया, तो बिल्कुल पानी हाँ जैसा फ्लूड आया और लास्ट में काफी पेट साफ हो गया। तो आज उसको मतलब जैसे मात्रावस्थी आज देना चाहिए कि नहीं? हाँ दे सकते हो मैम, या फिर उनका अगर नहीं होगा, उनको नहीं लेना होगा तो 1 डे का ब्रेक नहीं कर नहीं दो। उनको लेने का कोई इश्यू नहीं है, मेरे को ये कि वो तो खुश है, उसका तो जैसे वो विरेचन जैसे हो गया तो उसका 1.5-2 किलो वेट लॉस हो गया, क्योंकि वेट लॉस के लिए कर रही थी मैं। हेलो। हाँ तो फिर दे दो ना मैम, हाँ सबके ठीक बंद है, ठीक वहाँ ठीक है मैम, दे दो। ठीक सवेरे है, के लिए थैंक यू। होंगे? हाँ हेलो, और किसी को बात करनी है? हेलो जी मैम, श्वेता मैम कुछ लिख रहे हैं वो थोड़ा। श्वेता मैम, आप यहाँ पे बात ही करिए ना, 1 मिनट मैम। मैम ऐसा था कि आपकी ये पेशेंट को जो नहीं आ रही है ना बस्ती वापस, मात्रा बस्ती जो दी है, तो मैम आप सिर्फ ऑयल आया, जैसे ऑयल थोड़ा थोड़ा करके जैसे ऑयल आया, ऐसे 3-4 बार में ऑयल आया बट मोशन नहीं आया। हाँ, तो मतलब आप उनका थोड़ा वो साम निराम के लक्षण देख लीजिए ना, भूख लग रही है या नहीं, भूख और तो बहुत जैसे ज्यादा, ऑयल भूख आया तो बहुत तो। ज्यादा लग रही है, भूख तो बहुत ज्यादा लग रही है, मतलब उनको हाँ ऐसा तो होने लगा ठीक था कि अगर कुछ नहीं खाएंगे तो चक्कर से शायद गिर जाए, ऐसे इतना भूख लग रहा है, मतलब भूख लग रही है। है, हाँ तो ठीक है। और मोशन मतलब जो वो गैसेस पास कर रही है ना, जो ऑयल निकल रहा होगा साथ में, तो हाँ उसमें वो स्मेल सुबह में है ही कि हुआ गैस नहीं? वगैरह पास, मतलब ओवरनाइट कुछ ऐसा सिम्टम नहीं था गैस पास करने का, हाँ पर ओवरनाइट बिल्कुल कामली वो सोए, और सुबह में जैसे 8:30, 8:30 ऐसा थोड़ा ऑयल ऑयल हाँ तो होना वो पहले जब भूख भी ऑयल वो थोड़ा निकलता है थोड़ा ना मतलब ऐसे गैसेस के निकलने लगा साथ, था। हाँ
तो उसमें स्मेल है क्या, मतलब फाउल स्मेल है क्या, वो उनसे पूछना। अगर स्मेल है तो यानी कहीं ना कहीं ना आम है या पाचन बराबर नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा एक दिन का ब्रेक दे सकते हो। और हाँ अगर वो जी स्मेल नहीं है तो फिर आप जैसे मैम ने बताया कि अनुलोमन कर दो ताकि मोशन हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अवरोध हो रहा है। तो या तो आपको फिर निरूह, या जैसे आपने ऑलरेडी दे दिया ना अजमोदादी, देके उनको मोशन हो गया है ना। हाँ अजमोदा आदि चूरन वो तो मैंने उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग ही वैसे ही चला रही हूँ, मॉर्निंग मॉर्निंग एक टाइम तो चला ही रही हूँ, कभी कभी इवनिंग में भी दे देती हूँ, बट उनको मोशन नहीं आ रहा था तो इसलिए सर वाली थी मेरे पास विरेचनी वटी, तो वो मैंने दे दी उनको। उससे उनको मोशन तो बहुत बार आ गया, मतलब बहुत ही ज्यादा बार ही आ गया, इसीलिए मेरे को डाउट था कि मतलब करना चाहिए आज के नहीं था। हाँ, मतलब क्योंकि मैम अगर मात्रा बस्ती दी है तो अनुलोमन होकर मोशन होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ है। तेल नहीं निकले तो चलेगा कि तेल पूरा अब्सॉर्ब कर लिया बॉडी ने, लेकिन स्टूल पास होना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्टूल पास होना चाहिए। आपने अगर एनीमा दिया है तो वो आप देख लीजिए कि वो तेल पच रहा है कि नहीं, स्मेल आ रही है या कुछ ऐसे स्टिकी सब्सटेंस निकल रहा है तेल में। तो आप एक आध दिन का थोड़ा ब्रेक देके थोड़ा दीपन पाचन करके नहीं फिर दे सकते स्मेली हैं। तो वो बोले स्मेली तो है, स्मेली हाँ तो वही, हाँ मैम, तो वही मतलब वो थोड़ा कहीं ना कहीं पाचन नहीं हुआ ऐसा इंडिकेट करता है ना। तो है ना मैम, आप भी कंचन में आप भी बताइए अगर ठीक लग रहा है तो। हाँ वैसे तो मैम ने अभी अजमोदा दी तो स्टार्ट कर दिया है ना, तो आम पचन तो कर लेगा। अजमोदा दी हाँ मैम वो पिछले 1 वीक से स्टार्ट है, मात्रावस्थी भी चल रही है, पर आज ऐसा हुआ था कि पहली बार ऐसा हुआ कि मोशन नहीं आया, तो इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गए कि मतलब मोशन नहीं आ रहा। हाँ मतलब हाँ वो, कि हो सकता है कि वो आहार गलत गया हो, क्योंकि आप 8 दिन से कर रहे हो ना उनको, तो हाँ जी हाँ ये जी फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि कोई हो सकता है कि उनके आहार में कुछ गड़बड़ रही हो। जब मात्रा वृद्धि लेने आए तो उन्होंने उस दिन का आहार पूछना आप फिर से, तो हाँ उनको उसके थोड़ा सा बैक वो है साइड ना। का हर एक दिन का उनका बाहर का खाना था नाइट में एक दिन। हाँ तो हो सकता है कि वो थोड़ा आम डेवलप कर गया हो उस हाँ दिन के बस लिए। वही। हाँ तो तो अगर वही अजमोल, जो पाचन नहीं हुआ है ना। हाँ सॉरी मैम, बोलिए। हाँ बोलिए ना मैम, बोलिए, कोई प्रॉब्लम, बोलिए। नहीं, जैसे भले आहार के कारण या किसी और कारण से वहां पे आम की अवस्था तो आई है, तो थोड़ा आप समझ के एक आध दिन ब्रेक दे देंगे तो वो सेफर रहेगा मुझे लगता है। ठीक है मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर ऑयल आए या ना आए कोई इश्यू नहीं, बट मोशन जरूर आना चाहिए अगर मात्रावस्थी दी है तो। यस जी जी मैम, जी मैम, ठीक है थैंक यू। थैंक यू मैम। और किसी को बोलना है या कुछ पूछना है? आशा मैम बोलिए। मैम इसमें जो मात्रा बस्ती का मिनिमम स्टे टाइम कितना होना चाहिए? जैसे कई बार मैं पेशेंट्स को देती हूँ तो उसको घंटे बाद ही, जैसे आधे घंटे बाद ही निकल जाता सारा ऑयल वगैरह। जितना मतलब 9 to 9 to 10 hours, मतलब रात भर जिसे बोलते हैं ना, रात भर अगर वो रहे तो ज्यादा अच्छा है। पर बहुत सारे जो होते हैं वो होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो कभी कभी आधे घंटे में भी आ जाता है, कभी कभी 1 घंटे में भी आ जाता है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि हमको देना नहीं है, हम उसे स्टार्ट करें। मेरा एक पेशेंट था जो कि आधे घंटे में मोशन पास करता था, पर अभी 7 दिन के बाद वो पूरा रात भर उसको कंट्रोल हो जाता है, तो वो रिटेन कर जाता है रात भर। तो मुझे लगता है अगर आप ऐसे आदत डाल दो पेशेंट को तो रिटेन करता है और उसके बेनिफिट्स भी उतने ज्यादा मिलते हैं। ठीक है मैम, एक्चुअली कई पेशेंट्स होते हैं ना जिनको दिन में ही देनी पड़ती है, जैसे ओपीडी में आते हैं तो घर पे तो वो खुद नहीं कर सकते, तो फिर जैसे तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं, वैसे पेशेंट में भी अगर 1 घंटा आधा घंटा भी रिटेन कर जाए तो भी बेनिफिट तो मिलेगा ही ना। जितना बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उतना एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी बाहर निकल जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है थैंक यू मैम। वेलकम। आशा मैम आपको कुछ पूछना था? नहीं मैम, वो श्वेता मैम ने जो आम का बताया ना, तो आम की अवस्था में क्या रहता है कि अगर पेशेंट क्रूर कोष्ठी है, आती मैम आपका पेशेंट क्रूर कोष्ठी है क्या? कोष्ठ पे भी काफी डिपेंड करता है, कई कई बार ऐसा होता है कि नहीं आम मैम, की अवस्था के साथ अगर कफ का अनुभव मध्यम हो, मध्यम कोष्ठ, मध्यम मध्यम कोष्ठ। कोष्ठ है। ओके, आपने घृतपान कराया है या फिर डायरेक्टली बस्ती ही शुरू किया है, नहीं नहीं मैम, मतलब आगे डायरेक्टली कुछ कर्म बस्ती कराया शुरू है? किया पहले।
पहले, हाँ पहले उसको तकरीबन 15-20 दिन उसको सिर्फ अजमोदा आदि चूर्ण दीपन पाचन के लिए, और साथ जी में नागर मोथा चूर्ण 3 ग्राम मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही दिया है, और बीच बीच में उसको आमल की रसायन जैसे ऐसे 3-3 ग्राम जैसे बीच में दे दिया, थोड़ा सा विरेचन हो जाता था उससे। तो ऐसे करने के 1 मंथ के बाद वस्ती शुरू किया। नहीं तो इसमें आपने गृहपान नहीं कराया है क्या बीच में? जैसे हम नहीं, दीपन पाचन के बाद अगर आप गृहपान मृदु विरेचन नहीं। कराए है ना, तो थोड़ा सा गृहपान कराना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या रहेगा ना, कोष्ठ की क्षमता बढ़ेगी। जैसे आप बस्ती दे रही हैं या कोई भी विरेचन कर्म ऐसा कुछ भी करा रही है, तो उसमें थोड़ा सा अगर आप गृहपान कराएंगी ना तो वो इजीली हो जाता है। कई कई बार ठीक पेशेंट है को क्या, मैम, अगर आप बोल भी रहे हो कि भाई ये खाना है ये नहीं खाना है, तो कभी कभी पथ्या पालन में अगर गलती भी हो गई है ना, तो आपने गृहपान कराया है तो उसका रिजल्ट विरेचन बस्ती का अच्छे से मिलता है। ठीक है, मैम अगर वेट लॉस के लिए करें तो उसमें भी हम क्या गृहपान तो कोई कंटिन्यू दिक्कत रखें? नहीं ना मैम, आप त्रिफला घृत से कराइए, करा ठीक सकते है, हैं, क्योंकि आप विरेचन ठीक है कराएंगे तो उसके पहले तो गृहपान कराना जरूरी है जी। ना? और अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं इस प्रकार के, तो आप एक आध निरुबस्ती भी दे सकती हैं, जिससे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा वात की वजह से या पित्त की वजह से, तो वो भी रिजॉल्व हो नहीं, बट जाएगा। आज मैंने उनको मतलब मेरे को सद्य विरेचन देना पड़ा क्योंकि मोशन नहीं पास हुआ था, तो इसलिए सद्य विरेचन के लिए मैंने विरेचनी जो टेबलेट है वो दे दी थी। उससे मोशन 5-6 मोशन हुए और बिल्कुल क्लियर फ्लूड आ गया मतलब लास्ट में, और काफी हल्का फील हुआ उसके बाद, ठीक था उसके बाद। हाँ, नहीं आपने बताया ना कि बीच में उन्होंने कुछ तो बाहर का खाया था, तो उसकी वजह से हाँ भी हो फिर सकता है। एक दिन पहले बाहर का खाना था तो उस डाइट की वजह से भी हो सकता है, हाँ, उस डाइट बीच की में एक वजह दिन से भी मैगी हो खा ली सकता थी, ये भी एक था कारण। है। ओके, हाँ तो ये सब रीजन है। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा गृतपान के साथ विरेचन वटी देंगे या फिर निरुबस्ती कराएंगे, तो वो पेशेंट को इजीली रिमूव हो जाएगा, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, आमता है, जो भी है वो। जी मैम, ठीक, एक मैम आपने एक क्वेश्चन पूछा था, वो जो निरुवस्ती जैसे ज्यादा मात्रा में देनी है तो जो ग्लिसरीन मिल जाती है वो तो 100 ml की आती है, तो वो जैसे 200 ml तक की देनी, तो वो कुछ आपको पता लगा वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह कैसे? मैं तो मैम फिर रिफिल करा देती हूँ, जैसे वो और अच्छा, 100 ml उसी को की, मतलब कैथेटर लगे कि तो उसी के हाँ, अंदर और डाल दिया? और डाल दिया आपने। ठीक ठीक है, ठीक, थैंक यू। जी। और किसी को कुछ बोलना है? हेलो हाँ जी, हेलो मैम, प्रणाम मैम, सभी को। हाँ जी जी मैम, मैं अंजना मैम है, उनसे कुछ पूछना चाहती थी। एक पेशेंट मैंने डिस्कस किया था जो फाइब्रॉइड प्री मेनोपॉजल स्टेज में, तो मैम ने बोला था उसका CA125 एंड पैप स्मियर करवाना, तो उसकी करवाई है रिपोर्ट, उसकी CA125 15 है और पैप स्मियर नेगेटिव लिखा है उन्होंने, तो मैं यही मैम से डिस्कस करना चाहती थी कि CA125 15 तो रेफरेंस रेंज के अकॉर्डिंग तो उसका ठीक है, नॉर्मल है, तो उसमें बाकी और ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। हाँ अंजना मैम है ना यहाँ पे? हाँ हाँ मैम, मैं बोलिए। हाँ बोलिए मैम, नमस्ते मैम। बताइए मैम, बताइए हाँ क्या जी, इसकी पेशेंट नमस्ते की मैम। एज नमस्ते, पेशेंट की एज क्या थी? मैम 45 ईयर्स। अच्छा, फाइलर कितना बड़ा साइज हाँ मैम, 8 mm है। इसको है? पहले एट साल एम देखा, एम हिस्ट्री थी हैवी पीरियड्स ब्लीडिंग की, हाँ तो अब ब्लीडिंग तो ठीक नहीं है। है। हाँ हाँ जी, हाँ क्या क्या दिया था आपने, ट्रीटमेंट बताइए। हाँ जी मैम, पहले तो हमने जो अप्रैल में उसे ट्रीटमेंट दिया था, पुष्यन उपचूर्ण तंडुलोधक के साथ और नाग केसर चूर्ण कुर्जा रिष्ट के साथ, और बीच में हाँ रक्त पाचक, मांस पाचक, तापयादि लोह, बीच में स्वर्ण मालिनी बसंत भी ऐड की थी, द्राक्ष रिष्ट दिया था, दाढ़ीमष्टक चूर्ण, ये सारा कुछ, डाइट का भी तकर वगैरह बाकी सारा कुछ बताया था। तो अब फिर उसकी 1.5 महीने बाद जस्ट स्पॉटिंग ही हुई थी, तो उसके बाद फिर बोला था अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो वो पेशेंट ने 2 मंथ के बाद अभी पाया था, उसमें 8 mm का फाइब्रॉइड है प्लस में यूट्रस में। फिर अच्छा आपने उस दिन बताया था कि ये दोनों टेस्ट करवा लेना। हाँ मैम, तो अच्छा है पेशेंट आपके एकदम नॉर्मल उसमें आके, मतलब अब हम लोग को ये कंफ्यूजन नहीं है ना किसी तरह के कोई चेंजेस बॉडी में है, और जी 8 mm जो है ना वो मतलब बहुत सिग्निफिकेंट भी नहीं होता, उसको डिसॉल्व जी करने के लिए अब आप थोड़ा लेखन द्रव्य दे सकते हो,
लेखन द्रव्य में, लेखन द्रव्य में जैसे हम दे सकते हैं गैरिक भी दे सकते हैं, यहाँ पे शुद्ध शुद्ध गैरिक दे सकते हैं किसी एज में, और थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा जो है गैरिक देंगे तो गिलोय मिला देंगे, गिलोय सत्व दे देंगे, थोड़ा शिरा शिरा सिंधु और शंख बस ना, और साथ में थोड़ा सा काशीश, थोड़ा सा काशीश और ताम्र। अब अकॉर्डिंगली रोज थोड़ा कम ही देती हूँ मैं इन सबकी, और इस काशनाथ, काशनाथ भी अगर ब्लीडिंग चेक है तो, और अगर अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग का डर है तो फिर उसमें हम जनरली क्या करेंगे कि थोड़ा सा उस पर रखेंगे, ऐसे पेशेंट को ब्याज रस पे रख देंगे, थोड़ा प्रकृति नहीं लग रही ना आपको, वायु तो कुपित होगी, उम्र भी ऐसी है जरा 45 के ऊपर है तो। हाँ जी मैम, नहीं पित्त प्रकृति तो नहीं है अदरवाइज, सिर्फ हाँ, यही तो, सिम्टम से हम लेते थे कि ब्लीडिंग हैवी है तो पित्त। हाँ तो वो कंट्रोल में आ गई है ना आपके, बस्ती हाँ, वगैरह करा पाएंगे क्या? हाँ जी मैम, अब मैंने उन्हें बताया है कि अब अभी उनको मेडिसिन जब दूंगी तो बस्ती करवानी है, वहां मैं बता दूंगी, पेशेंट दूर है वैसे अमृतसर में है हाँ, तो मैं बताऊंगी। ठीक है मैम, घनबट्टी भी आती है, कुछ पेशेंट काढ़ा नहीं पी पा रहे हैं तो उनको मैं घनबट्टी भी कर देती हूँ, और बस्ती अगर दे पा रही है ना तो फिर वही सहचर आदि की दे सकती है, थोड़ा सा उसमें सहचर आदि में थोड़ा सा जो है आप लेखन द्रव्य के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं भूनिम्बादी क्वात, या फिर थोड़े दिन बाद पटोल कटोरणी क्वात ना, थोड़ा सा लेखन द्रव्य के साथ थोड़ा गोमूत्र अर्क, ठीक है ठीक हो जाएगी, 8 मिलीमीटर कोई बहुत बड़ी नहीं है, हार्मोनल डिसबैलेंस से ब्लीडिंग हुई होगी, मुझे लगता है ये भी रिजॉल्व हो जाए। ठीक है मैम, ठीक है मैम मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर इन बिटवीन जैसे लगेगा मैम। बिल्कुल मैम, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो हेलो, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो हेलो जी मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ मैम, ऐसे है एक ना क्रोन कोस्टी पेशेंट है, उसको विरेचन कराना है, तो उसके लिए वो तो घृत तो लेते नहीं है, तो कैसे बात बनेगी? तो घृत, अगर घृत पान नहीं कर रहे हैं तो आप अन्न के साथ भी दे सकते हैं सर। कैसे दें बताएं, मतलब दाल चावल पे डाल के आप लेते ही नहीं है, लेते ही नहीं है, ये बड़ी मुश्किल ही नहीं है। तो सर तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम विरेचन द्रव्य जो दे रहे हैं तो उससे फिर अपनी जो ग्रहणी कला होती है तो फिर डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं ना, तो एक विरेचन अगर वैसे प्लान नहीं करे तो हम जैसे नॉर्मल अनुलोमन के लिए कुछ मेडिसिन दे दीजिए, या फिर मतलब ऐसे जो टैबलेट फॉर्म में आते हैं या फिर पाउडर फॉर्म, बस्ती दे सकते हैं। विरेचन वटी का रोल होगा मैम, थोड़ा सा अगर हल्का आयरन तेल वगैरह ले पाए या फिर नाभि पूर्ण जल करा ले। अरण तेल ले रहे हैं, अरण तेल उनको बहुत अच्छा शूट कर रहा है। हाँ तो मात्रा बढ़ा सकते हैं सर, तो कितने दिन कंटिन्यू कर सकते हैं सर? उसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर पेशेंट को लग रहा है अभी, जब तक उसकी कहते हैं ना कि निरामावस्था नहीं आ जाती है प्रॉपरली, तब तक आप चला सकते हैं। आरगवत चूर्ण है ना सर जी, और बीच में निशोध चूर्ण है, दाढ़ी मष्टक चूर्ण है, समटाइम्स जो है इसमें हम लोग विरेचन बत्ती सर की बहुत अच्छी आती है, विरेचन बत्ती भी आप दे सकते हैं, कई चीजें हैं, लेकिन आप पेशेंट को फिर भी स्नेहन दे करना पड़ेगा, आप थोड़ा बाहर स्नेहन कराइए और थोड़ा खान पान में किसी भी तरह से उसको थोड़ा सा, जैसे आपने कहा ना कि वो एरन तेल ले रहा है, इसी तरह से अगर पॉसिबल हो तो फिर उसको आप तेल कल्पना भी दे सकते हैं, उसकी बस्ती बस्ती भी दे सकते हैं शीर वाला तेल की। क्या मतलब एक भी एक जन बोलिए पहले जी। हाँ मैम, इनके पेशेंट अगर एरन तेल ले रहे हैं तो हम दूध के साथ भी एरन तेल की कल्पना दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, अच्छा अच्छा कल्पना बन जाएगी जी, नेहन भी हो जाएगा और विरेचन भी हो जाएगा। हाँ चलेगा, दूध के साथ चलेगा ऐसे ही सर? दीजिए दूध के साथ, दूध से तो ले लेंगे।
हाँ दूध के साथ दीजिए, फिर आप टेंशन मत लीजिए उसको, उनको अच्छा अच्छा रहेगा। अभी उनको चलाइए जब तक आपको लगे निरावस्था नहीं आती है, सर। और साथ चलाइए। में पथ्य आदि क्वाथ आप दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा इसमें काम करता है। हरित की जो अनुलोमन भी है और उसमें हरड़ और ये त्रिफला तो है ही है उसमें, पथ्य आदि क्वाथ मैम में। पथ्य आदि क्वाथ की टेबलेट भी आती है शायद, क्वाथ भी टेबलेट नहीं का तो देखती आइडिया नहीं, होंगी बट तुम्हारी क्वाथ क्या, हाँ वो आती भी होंगी नहीं टेबलेट। देखती साउथ होंगी। इंडिया की जी कई जी कंपनी आजकल कशाई की आजकल सब टेबलेट्स बना बनाती देंगे। हैं, हाँ हाँ जी जी हाँ जी, बना देंगे। तो वो भी काफी अच्छा काम करता है। अगर वो भी नहीं ले सकते तो सिंपल डाबर बनाती है, त्रिफला की टेबलेट्स बनाती है, तो वो 3 या 4 दे सकते हैं, एरंड तेल के साथ ही त्रिफला टेबलेट्स भी, तो वो एक रसायन का भी काम करेगा। अभी जैसे जी शरद ऋतु शुरू होने वाली है तो उसमें हम त्रिफला का टेबलेट्स का वो दे सकते हैं। वो उषा मैम ने बहुत अच्छा भेजा था कि कैसे कैसे लेना है, तो चूर्ण नहीं ले सकते तो टेबलेट फॉर्म में भी आता है त्रिफला का। एक्चुअली मैम मैं ना बड़े लंबे टाइम से मॉडर्न करता आ रहा हूँ, बड़े लंबे टाइम से, तो अब भी आयुर्वेद पे स्विच ऑन किया है। नहीं, त्रिफला टेबलेट भी दे सकते हैं, त्रिफला चूर्ण भी दे सकते हैं। त्रिफला चूर्ण का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत सारे पेशेंट्स को मैं 6 6 7 7 साल भी देती रहती हूँ, बट अच्छा हम रसायन के रूप में अगर उसका यूज करें तो बड़ा बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है बॉडी पे। वाला रखा है ना उसमें, कोई निकाल देगा। थैंक यू मैम। बाकी बाकी लोग म्यूट रखे हैं अपना माइक। बोलिए मैम। आवाज हेलो आरती मैम बोलिए। मैम बस यही इनको बताना था कि अगर वो नहीं ले सकते क्वाथ या तो उसका पथ्य आदि का भी टेबलेट शायद आता होगा, मैम बट आप त्रिफला टेबलेट तो आता ही है। पथ्याक्ष धाते आदि कषाय? पथ्य आदि कषाय सिंपल पथ्य आदि क्वाथ आता है, सांडू का पथ्य आदि क्वाथ, तो वो हृदय के अनुलोमन का भी कार्य करता है। और रात को जैसे ये एरंड तेल दे रहे हैं दूध में, मैम ने भी बताया, तो वो दोनों मतलब वात अनुलोमन भी हो रहा है और जो हृदय की है वो और भी बहुत सारे काम करेगा, तो इनका मतलब साइड वाइज कई चीजें मतलब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और मैम अगर वो एक्चुअली भी मेरा माइग्रेन की भी पेशेंट है, पीछे हाँ जी कोशिश तो किया फिर था पथ्य देने के, अधिकवास तो नहीं उसमें लिया हाँ नहीं लिया, बहुत कोशिश किया था नहीं लिया। अब वो धीरे धीरे इतनी शायद क्रोनिक उसका क्रोनिक टेबलेट सिटी फॉर्म भी हो गई आता है। होगा, जी नहीं तो त्रिफला टेबलेट आता है सिंपल वो भी दे सकते हैं। इसका विरेचनी टेबलेट भी अवेलेबल है, झंडू का भी आता है, कई कंपनीज अभी आजकल तो बना रही हैं। मैम ये माइग्रेन के लिए ना आयुर्वेद शाला का आता है पथ्याक्ष धात्रे आदि कषाय, उसका काफी अच्छा रिजल्ट है और उसकी टेबलेट्स भी घनवटी भी आती है जी मैम जी, वो भी त्रिफला ही है मैम, पथ्याक्ष और यही हाँ कॉम्बिनेशन। सॉरी मैम कौन सी कंपनी का? आयुर्वेद शाला कोटकल का आता है सर। अच्छा कोटे सर का। ये सेम मैम ये अपना पथ्यादि कषाय है, ये हाँ जो जी आप हाँ जी पथ्याक्ष धात्रे आदि बोल रहे हो सेम पथ्यादि के ही कंटेंट्स हैं उसके जी। जी जी और सर, तो किसी इसमें को बोल रहे माइग्रेन हैं? के आपने हेतु क्या निकाले हैं, किस वजह से है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें हेतु के अंदर अगर मतलब मायने के रिलेटेड कोई हेतु है या फिर दिनचर्या रिलेटेड कोई हेतु है, हेतु क्या मिला? सर आपको पूछ रहे हैं मैम जी, अच्छा, मेरे को पूछ रहे हैं। हेलो जी आपको पूछ रहे हैं। मैम, ये हाँ ना ये एक्चुअली क्रोनिसिटी बढ़ती चली गई, 4 5 साल हो गए उनको लगातार। जी कितनी एज है? तो वो बस अब मेनोपॉजल का टाइम आने वाला ओके। हाँ 37 तो लगभग इसमें तो सर कोशिश आपको करते हैं। रसायन भी कराना पड़ेगा अगर। हाँ ओके सर, तो आप इसमें शतावरी बस्ती दे सके या गृहपान तो वो ले नहीं रही है, हाँ जी तो हाँ उसमें जी ये जो आपने पथ्यादि मैम ने बताया उसका भी काफी अच्छा रोल है। लेकिन अगर हाँ मेनोपोज जी एज के कारण भी कई कई बार ऐसे शिराशूल वगैरह क्रॉनिक क्रॉनिक होता है, तो इसमें हार्मोनल हाँ जी इम्बैलेंस हाँ जी होने की वजह से हो सकता है राइट। तो इसमें आप बस्ती का प्रयोजन जरूर से कराएं अगर पॉसिबल है तो, या तो फिर मैम उनको कल एक्चुअली आज भी बात मैं ना अभी आज फिर उनको सीवियर हेडेक करके है, तो जी। कल मैं कल या परसों लाइन पे लेके ना उनको प्रेजेंट करता हूँ वीडियो कॉलिंग करके, तो ताकि एक पेशेंट का सारा कुछ सामने पेशेंट खुद हिस्ट्री ले सर लेगा ना। इसमें अगर हाँ मीनोपॉजल ले जाए तो धनिया और जीरे का फांट भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें, जी हाँ जी और कुछ ऐसी हर्ब्स रहती हैं जिनमें नेचुरल वे से आइसोफ्लेवोन्स रहते हैं फाइटोइस्ट्रोजेंस, तो वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे उसमें मैम ने शतावरी शतावरी आता है का मैम, हाँ शतावरी का शतावरी बहुत अच्छा नंबर होता वन है, पे मैं तो उनको है भी ही है, वो सजेस्ट बहुत अच्छा करती काम हूँ। करता है इसमें।
आप सर उनको शतावरी, अश्वगंधा ये सब मेडिसिन टेबलेट फॉर्म में दीजिए जी। थोड़ा सा मैम कल लेते हैं, कल लाइन पे लेते हैं, प्रॉपर से डिस्कस करते हैं इस केस को ना फिर। हाँ ठीक है, इट विल बी बेटर, क्योंकि बड़ा क्रोनिसिटी है अब तो। ये लगा लो खाना पीना भी मुश्किल से एक एक चौपाती दिन में लेती होंगे, सुबह चाय ले ली, शाम को ले ली, इस तरह का है। ओके, उनका आई थिंक दिनचर्या वगैरह भी काफी डिस्टर्ब होगा। तो अब दिनचर्या डिस्टर्ब हो गया, पहले तो ले लेती थी कुछ ना कुछ, अब वो भी डिस्टर्ब हो गया। और ये धीरे 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 उनको ऐसा फोबिया हो गया है, कोई चीज अगर बेटा भी स्कूल से लेट हो जाए तब भी बस उनको ऐसा हो जाएगा, कोई ऊंचा बोल के चला जाए। अब क्लिनिक है, कभी भी कोई दिक्कत हो जाती है तो कोई कभी कोई ऊंचा भी बोल जाएगा तभी क्या होगा, शाम तक ब्लर होना शुरू हो जाएंगे। साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा हो गए जी। शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत उनको माइग्रेन से हुई है। अब ये लगा लो डॉक्टर साहब उनको करीब करीब 6-7 साल हो गए थे मॉडर्न पे चलते 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 चलते, तो नहीं बात बनी। ठीक है सर, इसमें आप थोड़ा शीरो पीचू वगैरह भी करा सकते हैं, जैसे कि आप कल तो लाई रहे हैं तो हम डिटेल में हिस्ट्री वगैरह लेके सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल फिर लाइन पे लेके ना प्रॉपर से डिस्कस करते हैं। ओके सर, थैंक यू। अंजना मैडम नमस्कार। हेलो अंजना मैम, आपको बुला रहे हैं। अंजना मैम सर नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया सर। सर थोड़ा मेरा ही इशू है आपसे। हाँ पूछिए ना। सर मैं वो जो एंकल जॉइंट का पेन बता रहा था आपको कुछ दिन पहले, वो तो रिड्यूस हो गया है, थोड़ा सा टेंडरनेस है एक ही पॉइंट। हाँ तो मैं बस्ती कंटिन्यू कर सकता हूँ अभी या? हाँ करिए ना, आपका जब अग्नि प्रदीप्त है तो आप करिए ना। अग्नि आ गया है सर। हाँ तो आप करिए। और अग्नि कर्म कहाँ पे किए थे आप? अग्निकर्म नहीं किया, आपने बताया था ना वो जो आमबात के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में स्टार्ट करने। तो क्या क्या लिए थे? मैं सिंघनाथ गूगल और आमपाचक बटिया आपका जी, और ये बात का जंकुश महाजोगराज गूगल, इतना ही लिया था। और बालू का श्वेत दो दिन जी, बालू का श्वेत एक ही सिटिंग में रिड्यूस हो गया पेन जी, 5 to 7 days हो गया। हाँ जी। तो अभी सर मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन थोड़ा है, वो जो मैं पहले भी बताया था आपको सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम तो था। हाँ उसके लिए क्या लिए आप? वो उस एक ही दिन लिया था आपने बताया था वो पस्ती, एक हाँ। ही दिन लिया था, कम ठीक मतलब बंद हो गया था। आज तो जब एंकल जॉइंट का पेन शुरू हुआ तो बस्ती बंद कर दिया था जी। तो अभी आज थोड़ा पेन है, 2 महीने पहले एक ऐसा तो हुआ। आप बस्ती लीजिए ना सर, बस्ती से तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा जी। तो ये जो जो आम बात का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा आप देखिए, आपका आम, आप बोल रहे हैं कि आम पच गया, अग्नि बढ़ गया है। अग्नि तो बढ़ गया। हाँ तो आप लीजिए। ठीक है फिर आप बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को कोई केस बताना है क्या? सब भारत के इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं सर। मेरा और एक केस के बारे में पूछना है। हाँ पूछिए ना अंजना। नहीं आप बता दीजिए सर, जो भी बता सकते हैं साथ में। सर 85 ईयर्स का एक मेल है, उनका अभी मतलब सीवियर कॉन्स्टिपेशन के लिए मेरे पास आया था। वो उसका जब हिस्ट्री देखा तो वो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस और कोलेलिथियासिस के लिए एडमिट हुआ था कुछ दिन पहले हॉस्पिटल जी। अभी जंडिस है, जंडिस के लिए एडमिट हुआ, बाद में डिटेक्ट हुआ ये। तो अभी सीरम बिलिरुबिन जो है ऑलमोस्ट 30 के आसपास है जी। और मेरे पास नहीं आया, पेशेंट नहीं आया, उनका रिलेटिव आया जो पता है। तो और बेड रिडन भी है, वो ज्यादा थोड़ा सपोर्ट में चल बुल करते हैं जी। और उनको मैं तो त्रिभुत लेहम दिया देने के लिए दे दिया था एक, तो एक मोशन हुआ अभी इवनिंग में जी। और
उसको विरेचन समझ सकते हैं या आगे क्या करना चाहिए उसके? नहीं तो आप करना क्या चाहते हैं पहले ये तो बताइए। उसका कंसर्न जॉन्डिस है, जॉन्डिस को रिड्यूस करना। तो कामले तो विरेचन है, ये तो ठीक है आपका, फिर कामला की जो चिकित्सा है वो दीजिए ना। तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लगा मुझे सर वो जो। तो उसमें आप पहले कफ की और चिकित्सा करिए, तो त्रिकटु चूर्ण दे दीजिए, मतलब ऐसे जो त्रिभुवन कीर्ति रस दे दीजिए, लघु सूचय कर दे दीजिए, जो क्षार धर्मी द्रव्य है ना वो देंगे ना तो वो सीबीडी जो है ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है सेंट्रल बिलियरी डक्ट वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद में पित्त आने लगेगा यहाँ पे कोष्ठ में, शाखा से कोष्ठ में आने लगेगा, उसके बाद में फिर कामला आरोग्य वर्धनी वटी काल में घासा हो कुटकी चूर्ण रस पाचक रक्त पाचक ये दे सकते हैं, आम पाचक वटी, आम पाचक वटी भी देंगे ना शुरुआत में अभी तो वो भी उसमें भी त्रिकटु है तो उससे भी फायदा हो जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगा। इसमें और भी जैसे एरन तेल, एरन का पत्ता दे सकते हैं, मूली का स्वरस दे सकते हैं, आरोग्य वर्धनी वटी कुटकी दे सकते हैं, वासा दे सकते हैं, तिक्त रसात्मक द्रव्य देंगे तो पित्त का शमन होगा। जी सर, तो इस साइमल्टेनियसली वो जो स्टोन के लिए भी जो है प्रोटोकॉल उसे ऐड करो। हाँ वो वाला भी तो है ना, सुचेकर रस है, त्रिविक्रम रस है। ठीक ठीक है सर, बताइएगा फिर रिजल्ट। हाँ जरूर, ठीक है। और श्वेता मैम कुछ आपका केस है तो बताइए, मनीषा मैम, डॉक्टर मनीषा सिंह मैम कुछ केस है तो बताइए प्लीज। सर मेरी एक केस डिस्कस करूंगी। हाँ तो सर ये पेशेंट मैंने पहले भी डिस्कस की थी पर फिर इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था फिर ये नहीं आए थे। सर ये अम्ल पित्त की बहुत क्रॉनिक केस है ना, अभी इनके क्या सिम्टम्स है कि मतलब उनके पूरे मुंह में और गले में जलन रहती है हमेशा। जी नहीं तो ये अम्ल धर्मी है कि क्षार धर्मी है, उष्णतिक रहता है और होंठ पूरे फट जाते हैं। सर ये मुझे तो अम्ल धर्मी ही लग रहा है लेकिन सांवता अभी भी है। अब मैं ना ये पांच भौतिक कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सर रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। पर थोड़ा कंफ्यूजन है, अम्ल धर्मी ही लग रहा है क्योंकि उनका एकदम गर्मी बहुत ज्यादा है, अम्लता इतनी है, सॉरी क्षार, एक मिनट देखिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ सर ये क्षार धर्मी लग रहा है। हाँ। है ना, क्योंकि वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन बिल्कुल हो नहीं पा रहा है और पूरा मतलब गर्मी रहती है बिल्कुल भी, यानी वो गुनगुना पानी भी ऐसे नहीं पी सकते, हल्का भी कुछ गर्म हुआ तो वो नहीं पी सकते जी। अब ये है ना उनको प्रॉब्लम क्या है ना, मधुर रस ले सकते हैं, शक्कर लेंगे तो भी उनको जलन होती है, ना अम्ल ना लवण और ना ही कटु, यानी ये कोई भी कुछ भी लिया तो उनको जलन होती है। एक थोड़ा कड़वा ले दवा भी ले लेते हैं तो ठीक है, मतलब कड़वे से उनको जलन नहीं। रस पाचक रक्त पाचक के जो द्रव्य है वो कितना बढ़िया काम करते हैं ऐसे केसेस में। रुक्षता मुझे लगता है मतलब एक तरफ सामता भी है और फिर ड्राइनेस भी, पटोल इंद्र सूख जाता है, पटोल इंद्र कुटकी जो देंगी तिक्त रसात्मक द्रव्य काम करेगा पित्त पे, पटोल भी करेगा इंद्र भी करेगा, तो रस पाचक रक्त पाचक से बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे कटु रसात्मक द्रव्य नहीं देना है आम पाचन के लिए, आम भी तो है। नहीं नहीं कटु तो नहीं देना सर, ये सर बराबर है, पर वही मैं मतलब ठीक है ये एक क्योंकि रुक्षता भी है उनमें बहुत, मतलब मुंह सूखा ही रहता है। घी के साथ दीजिए रस पाचक रक्त पाचक, घी जो शुरू किया हो तो उनको एक चम्मच भी घी पच नहीं रहा, डकारे आती रहती है, तो अब मैंने उनको आधा चम्मच देना पड़ा। रस पाचक रक्त पाचक दे दीजिए तो बहुत, या प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, तो मैंने अभी सूच शेखर प्रवाल पिष्टी गुड़ुची सत्व इस तरह शुरू किया है और थोड़ा चंद्र प्रभा और गोक्षुर आदि गुग्गुल, क्योंकि यूरिन के बाद बहुत बर्निंग, मतलब यूरिन में बर्निंग नहीं है उनको पर यूरिन पास होने के बाद यूरेथ्रा में और उसके आजू बाजू मतलब बर्निंग होती है उनको जी। तो इतना शुरू किया, बस मैं रस पाचक अगले हफ्ते एड करूंगी। अब सर इनका ना मेन ये है कि मतलब आगे मुझे वेट गेन में कैसे कराऊं, अभी इनका वेट पहले 40 तो, ये तो पहले पित्त तो निकालिए, पहले पित्त का शमन करिए, फिर यकृत की शुद्धि करिए, वासा है, कुटकी है, कालमेघ है। हाँ सर
वही है, मतलब उनको ना कोई भी अभी तो ले लेंगे, बीच में वो क्या काढ़ा उबालना वगैरह नहीं, क्योंकि वो प्लास्टर में थे और रेडी काढ़ा कोई भी दिया, मैंने उनको भूनिमबादी कषाय दिया था, पर उनको वो रेडी काढ़े में जो फर्मेंटेशन होता है उससे जलन होती थी, तो वो रेडी कंजर्वेटिव डालते है ना इसलिए। हाँ वही, हाँ तो वो बिल्कुल ले नहीं पा रहे थे। तो ठीक है सर, अब मतलब ये तो अब जैसे अब वो आने लगे हैं रेगुलर, तो अभी जैसे 2-3 हफ्ते में थोड़ा ये आम पाचन हो जाए उनका, तो मुझे आगे वेट गेन, क्योंकि बिल्कुल मतलब सिर्फ हड्डी और स्किन तो आरोग्य वर्धनी पट्टी से वेट गेन होगा ही, दूध के साथ देंगी तो वेट गेन दूध के साथ। और सर कब देना चाहिए दूध के साथ आरोग्य वर्धनी? खाने के बाद। खाने के बाद, अच्छा। और फिर वेट गेन के लिए स्वर्ण मालिनी बसंत, सुबह और शाम एक गोली दूध के साथ, और दोपहर में 10 से 2 के बीच में पित्त के काल में नीम का पत्ता चबा के खाएं, तो वो अच्छा शमन करे तो अपना वेट बढ़ता है। और दूसरा क्या करे कि उनको अश्वगंधा लेहम है, पिदारयती लेहम है, ये रसायन कुछ दे दीजिएगा। अच्छा। एंड सर जैसे अभी है तो मतलब एकदम एंजाइटी की पेशेंट है, तो मैंने उनको शिरोधारा भी करने बोला है, थोड़ी ब्राह्मी वटी शुरू भी की है, तो सर अगर मैं इनको एनीमा शुरू करना चाहूँ आगे वेट गेन के लिए, तो मुझे क्या ये रखना चाहिए कि मतलब इनका मल नहीं निकले ज्यादा और वेट गेन हो? बस्ती देना चाहते कि एनीमा? सॉरी बस्ती सर, सॉरी सर बस्ती। तो किस आपने की रुक्षता बहुत ज्यादा है ना? रुक्षता सर कैसे है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे स्किन में रुक्षता नहीं है, लेकिन उनका मतलब गला मुंह हमेशा सूखा हुआ रहता है। तो आप शीर वाला तेल का पहले बस्ती देके स्नेहन हो जाए थोड़ा देर, बस्ती देके फिर बृहणी गण के द्रव्य, बृहणी गण के द्रव्य में मास्टरस डाल के बस्ती देंगे तो वेट बढ़ता है। अच्छा अच्छा, तो ये यानी वो जैसे मांसरस शीरपाक जैसा करना पड़ेगा, मांसरस और ये सब डाल के, तो वो निरुह जैसा जाएगा सर? शीरपाक भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मांसरस भी दे सकते हैं, मटन चिकन सूप भी दे सकते हैं। अच्छा, तो वो तो सर ऐसा है ना, क्योंकि मैं देती नहीं हूँ, पेशेंट अग्री करे बनाने को तो अलग बात है। पहले तो आप बस्ती मत दीजिए ना, आप केवल अनुवासन बस्ती दे दीजिए पहले। हाँ, अब ऊपर से तब दीजिए खाने को जो भी, उससे वेट बढ़ जाएगा। जी सर, ये अभी आपने जो बोला अभी 2-3 देखते हैं, मतलब जैसे थोड़ा इनकी आम पाचन ये हो जाए फिर मैं बस, क्योंकि ये 1 हफ्ते जो मैंने दिया था ना उससे वो जब अब 1 हफ्ते बाद आए वो बोल रहे कुछ खास फर्क नहीं है, तो अब मैं रस आपके रस 100 में से 100 पेशेंट सब ऐसे बोलेंगे क्या? वो तो ऐसे बोलते ही है कि फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आते हैं, फिर बोलते हैं फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आते हैं। नहीं सर ठीक है, लेकिन जैसे आपने अभी गाइड किया कि रस पाचक से फर्क होगा, तो अब मैं अगले हफ्ते वो इंट्रोड्यूस करके देखूंगी ना। तो सर पहले थोड़ी ये आम अवस्था निकले, फिर ही मैं ये आरोग्य वर्धिनी और ये सब शुरू करूँ ना, स्वर्ण मालिनी वसंत। आपको हेल्प करने के लिए शशि मैम और मनीषा मैम और आशा मैम कुछ बोलेंगी। सबसे पहले आशा मैम आप बोलिए। हाँ मैम, जैसे सर ने बताया रस पाचक रक्त पाचक का तो इसमें काफी अच्छा रोल है, लेकिन आप जो बस्ती के बारे में कंसर्न थी ना, तो उसमें आप जीवंती आदि घृत का भी प्रयोग कर सकती हैं अगर ब्रूहण के पर्पस से करना चाहे तो। यस मैम, अच्छा जी, मात्रा बस्ती ना मैम? हाँ हाँ, मात्रा बस्ती। अच्छा, आप मतलब आपको तो पता ही है सब सांता निगमता देख के, लेकिन अगर शतावरी या फिर ये जीवंती आदि, जीवंती आदि हाँ, वो ब्रूहण में काफी अच्छा काम करेगी। और मैम अगर घी की मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो क्वांटिटी कितनी, मतलब उतनी 30 ml 40 ml की ज्यादा दे सके, यानी कम से शुरू करें या वही तेल जितनी मात्रा रखे घी की भी? अगर आप फर्स्ट टाइम दे रही है ना मैम, तो मैं आपको बताऊंगी वो 30-40 ml से ही स्टार्ट करना है, फिर अगर पेशेंट अच्छी तरह से ले पा रहा है। जी मैम, थैंक यू मैम। और मनीषा मैम आप बताइए, और शशि मैम आप बताइए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम मैम, मैं पेशेंट की एज कितनी है? एज मैम 42। और वेट कितना है अभी? वेट अभी 40 kgs है ना, और हाइट करीब आप समझो ना 5'1" 5'2" जितनी होगी। और तो अग्नि अच्छी है मैम उनकी? अग्नि अच्छी है? अग्नि अभी ना मुझे ऐसे लगता है उनको समझ नहीं होता, भूख तो मुझे बहुत लगती है,
लेकिन दिन में पर ना रात होते होते मतलब शाम तक उनको थोड़ी गैसेस होना और मतलब फाउल स्मेलिंग गैसेस होना शुरू हो जाती है। मैम तो कहीं ना कहीं मल प्रवृत्त होता है तो उसमें स्मेल भी आता है, पूछे नहीं मॉर्निंग मतलब मल में तो स्मेल मना कर रहे हैं, लेकिन उनका कैसा है कि एकदम स्टार्टिंग का पार्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट ऐसे हार्ड आता है और फिर नॉर्मल मोशन होता है उनका। हाँ, यहाँ तो है रुक्षता भी है मल में। तो पहले अभी शोधन कर लीजिए मैम पहले, और दो तीन दिन कृमि की चिकित्सा भी कर लीजिए उनकी। अच्छा तो मैम कृमि की चिकित्सा करने के बाद फिर आप ये सारी ग्रहण दवाइयां देंगे और स्वर्णमाली बसंत रस इत्यादि लो गुडुची घनसत्व के साथ इसका युग बना के देंगे और अश्वगंधादि ले हम वगैरह चलाएंगे और बीच बीच में वस्तियां चलाएंगे तो वेट गेन हो जाता है पेशेंट का। लेकिन यहाँ कहीं तो है इनको, पहले आंत्र शुद्धि करिए मैम इनका। हाँ, भूख लग रहा है लेकिन ना पाचन व्यवस्थित नहीं है उनके। यस, अपन वायु को भी देखिए एक बार। हाँ, तब सारी दवाइयां आपकी परफेक्ट होंगी, अदरवाइज ये क्या है कि देते रहेंगे और उनको फिर अनइजी लगेगा, फिर वो छोड़ देते हैं। हाँ, बस वही धीरे धीरे मुझे एक एक दवा उनके इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। फिर रस पाचक रक्त जो है दवाइयां, आम पाचक रक्त पाचक इसके साथ में दाढ़ी मास्टर घृत के साथ प्रथम निवाले में उनको पहले सेवन कर रही है। दाढ़ी मा चूर्ण पहले निवाले में उनको दीजिए 3-3 ग्राम दोनों टाइम, तो उससे भी काफी मोशन उनका अच्छा आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कोष्ठबद्धता तो है मैम, क्योंकि हार्ड स्टूल है वो। इनफैक्ट वो है ना वो ये लेते हैं खजूर और अंजीर ना भिगोए हुए। वो अभी हार्ड वो चीजें अभी ना दें, अभी थोड़ा सा। नहीं मैं नहीं दे रही, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो लेते ही है। मतलब वो थोड़े होते हैं ना एंग्शियस, बोलते हैं इसके सिवा मेरा पेट नहीं साफ होता है तो आप कुछ भी करो। उसके साथ मुनक्का लगा दीजिए ना। हाँ ले रहे हैं वो। हाँ, मुनक्का लगा दीजिए। मुनक्का ले रहे हैं ठीक है, उला के ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं छोड़ सकते हैं एडिक्शन है तो थोड़ा लंबा चलेगा। नहीं एडिक्शन ही डर के कारण ना कि मतलब क्योंकि उनको इतना हार्ड हो जाता है मोशन की फिशर हो जाता है फिर। हाँ तो, ये चीज किसी पे काम करना मैम। दाढ़ी मास्टर चूर्ण ही भी देंगे ना घृत में 2 चम्मच 1 चम्मच घृत में भोजन से पूर्व प्रथम ग्रास में दीजिए और फिर इसके बाद कुमारी आसव या कोई भी आसव उनको जो सुटेबल है वो लगा। मैम वो आसव अरिष्ट अभी तो नहीं ले सकते एज ऑफ नाउ, तो मतलब उनको जलन होती है। हाँ ठीक है, जलन होती तो इसमें रस में दे दीजिए कोई भी सुतसेखर रस। हाँ, चला दीजिए तो वो गांठों को भी साथ में निकालेगा जो मल है। हाँ, सुतसेखर रस और तक्र को ताजा तक्र दीजिए हरिद्रा वगैरह में हल्का छोंक करके दोपहर में सेवन करें। हाँ तो अब ये फिर आप ग्रहण दवाइयां देंगे वेट गेन हो जाएगा 48 तक चला जाएगा मैम, अच्छे से ध्यान दे के करिए तो। और योग में यही और अश्वगंधा दी ले हम या अश्वगंधा चूर्ण भी उसमें साथ मिला सकते हैं, इसमें बढ़ जाता है पेशेंट का वेट। बाकी और सर बताएंगे मैम। जी मैम, जी मैम, जी थैंक यू। और आज थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आशा मैम आपने पूछा ना दिनचर्या उनकी काफी अच्छी है, जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं और हाउसवाइफ ही है, कुछ बाकी कोई स्ट्रेस नहीं है उनको। स्ट्रेस सिर्फ कोई बीमार हो जाता है घर में, वो एंजाइटी टाइप है कि बच्चा बीमार हुआ तो स्ट्रेस, हस्बैंड बीमार हुए तो स्ट्रेस, तो बस वही एक उनका ये है। बाकी खाना पीना बिल्कुल सिंपल वेजिटेरियन है क्योंकि अभी तो वो कुछ पचा ही नहीं सकते, तो अभी तो जो मैंने बोला हुआ है वही वो खा रहे हैं। नहीं मैम ग्रहणी पे ही काम करिए पहले शुरुआत में और फिर स्ट्रेस के लिए भी कुछ भी दे दीजिए, जटामांसी बचा या मानस मित्र बुटिका या जटामांसी का ये क्वाथ आता है वो दे सकते हैं। और बीच में यदि पेशेंट है आपके पास और पंचकर्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, शिरोधारा से स्टार्ट करिए, नस से दीजिए सर का, ओनली नस से दीजिए मैम, शीर वाला का। यस यस मैम, यस अभी आज फर्स्ट डे उनको ग्रहणी इतने जल्दी कंट्रोल हो रही मैम नस से देने से। अच्छा बहुत जल्दी, आप यदि 1.5 महीने दवा दे रहे हैं और 15 दिन नस के साथ दे रहे हैं तो उसमें आपको इतना रिजल्ट मिल जाएगा। एक्चुअली आज मैंने उनको फर्स्ट टाइम दिया सर का ही शेरबला 101 का नस से जो दिया, लेकिन उससे भी उनका बहुत शोधन हुआ, यानी कि बहुत पूरा ग्रहणी की तो बहुत अच्छा काम हो रहा है मैम नस के साथ, बहुत बहुत जल्दी रिकवरी मिल रही जी। हाँ, मैंने तो अभी उनको नस से बोला है, मैंने जो काम किया है अभी नस के साथ ग्रहणी का बहुत अच्छे रिजल्ट आया मैम। और बाकी सर बताएंगे मैम।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैम। शशि मैम का भी सुन लेते हैं, शशि मैम कुछ लिखी है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअल में मुझे जो इसमें लग रहा है, अब आप बताइएगा कितना सही है, मुझे लग रहा है कि उनका पित्त का आवरण है, इस वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जलन उलन सारी चीजें उनको आ रही हैं, तो वातस पित्त टाइप का ज्यादा है और देन कफस के। तो इसमें मैंने अभयारिष्ट इसलिए लिखा है, अभयारिष्ट को आप बिल्कुल लोअर डोज से शुरू कर लो, जैसे 5-5 ml देना है, खाने के पहले दे दिया, खाने के बीच में भी दे दिया और खाने के बाद में भी दे दिया, ऐसे दोनों टाइम कर लिया। और उसमें 1/2 teaspoon सीतोपलादी डाल दिया, तो सीतोपलादी दीपन पाचन भी करता है और मतलब पित्त का शमन तो करेगा ही और अग्नि को भी बढ़ाएगा, और अभयारिष्ट बोलते ही है वन्नीकृत करता है, और मल का जो भी उपचय वगैरह रहता है उन सबका संघात करता है। और जिस हिसाब से साइन सिम्टम है, इसमें भैषज रत्नावली वाला जो अभयारिष्ट है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें त्रिवित और दंती वगैरह और बिडंग वगैरह अच्छी मात्रा में है, तो रेचन भी अच्छे से कर देगा, जैसे वो अंजीर मुनक्का वगैरह खाकर करते हैं। और साथ में थोड़ा सा सुकुमार घृत भी ऐड करें, मतलब उसको 1 teaspoon या 1/2 teaspoon से ही शुरू कर लें, क्योंकि अग्नि वगैरह अगर कमजोर है तो ये चीजें हैं। और लंगन पर ज्यादा जोर दें, मतलब कि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल डाइट नहीं खाना है, तो शुरुआत में सिर्फ यूश वगैरह पर रखकर देखिए मैम। कई बार लगता है कि साइन सिम्टम से ना पेशेंट बोलेगा कि, और आपको देख करके भी लगेगा सामने वाले की प्रकृति पित्त है, बट आवरण मैम इनका अभी लास्ट वीक में लंगन हो गया, और एक्चुअली वो मतलब थोड़ा डर के ही आई मेरे पास कि ना मेरा तो और वजन कम हो रहा है, तो मतलब मुझे वो भी बहुत ध्यान रखना है इस पेशेंट में, बिल्कुल मतलब बल बहुत बोलते हैं ना कम है, और एकदम लीन पेशेंट हो गई है, मतलब थिन लीन भी नहीं, मसल फाइव एम एल से शुरू करो, अगर आपको लगता है और कम तो और कम से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर जैसे चरक और बागभट का देखेंगी जो आयुर्वेदशाला को टक्कल वाले वगैरह बनाते हैं या वैद्यरत्नम वाले, तो चरक को फॉलो करते हैं, मतलब वाग्भट का है, और जो भैषज रत्नावली का है उसमें त्रिविध और दंती वगैरह है, तो वो सारी चीजें। और कई बार फील होता है पेशेंट बोलता कुछ है या दिखता कुछ है, होता कुछ है, जैसे कई बार आपको लगेगा सामने वाले को पित्त की बहुत सारी परेशानियां हैं या इंडिकेट भी होगा पित्त जी, लेकिन मतलब अंदर से अच्छे से कफ होगा जो परेशान कर रहा होगा, तो ये चीजें। तो मेरा ये मानना सिर्फ ये तीन ही है, आप ट्रायल के रूप में 1 week के लिए दे सकते हो, आप लोअर और भी लो डोज में चाहो तो 1 ml से भी शुरू कर सकते हैं अभयारिष्ट को। मैम डाइल्यूट करके, मतलब एक्चुअली उनको स्टैग जब किया था ना थोड़ा कुमारिया से जैसे, तो वो बिल्कुल मतलब ले नहीं पाए थे, इनफैक्ट अभी मैंने उनको सिर्फ ना गोक्षुर का फांट जैसा लेने बोला है उनको, तो वो फांट भी जैसे सुबह बनाया ना तो थोड़ा शाम तक आते आते थोड़ा वो फर्मेंट, अब जैसे गर्मी एकदम बढ़ गई है तो वो हल्का सा भी ये हो जाता है ना तो वो उनको फिर जलन होती है अंदर लेते हुए, तो अभी तो इतना सेंसिटिव मतलब ये है कि मैम ने बोला ना नशे वगैरह पर काम करें, क्योंकि मुझे जो लगता है कि इनका जितनी मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स शो हो रही है वो सारा कहीं ना कहीं इनके मानस सिस्टम से ज्यादा अफेक्टेड है। तो कई बार पेशेंट का होता है, जैसे मैं आपको बताऊं अपने एग्जांपल में, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते थे जिनको मैं अगर नींबू पानी लेने को बोल देती थी तो बोलते थे गले में खराश होता है, फिर मैं कहती थी नहीं आप गर्म पानी में लीजिए, और उसके बाद किसी पेशेंट ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मुझे खराश हुई, तो एक साइकोलॉजिकल फीडिंग भी होती कि मैं ये खाऊंगी तो मुझे ये हो जाएगा, मैं वो खाऊंगी तो वो हो जाएगा। हां वो तो है, क्योंकि अभी इतना सफर भी किया ना, अभी मैं उनको शिरोधारा लेने बोल रही हूं तो बोल रहे मेरे बालों में इतना तेल हो जाएगा, मैं धोऊंगी तो मेरे बाथरूम में तेल हो जाएगा, मैं फिसल गई तो क्या होगा, यानी दिस इज द लेवल ऑफ एंजाइटी पेशेंट। हाँ तो आप शिरो पिचू ले लें, वो पिचू से ही स्टार्ट करूंगी, मैंने उनको वही बोला नस्य लेंगे पिचू करेंगे, एरंडायल का नाभि पूरण करा दो, वात का शमन वहां से भी होगा। हाँ, और नहीं तो ये एक अच्छा याद दिलाया, ये सारी चीजें। और मैम एक बोलती है जो पादाभ्यंग वगैरह कराने को, तो उससे नींद वगैरह सब अच्छे लेवल पर आएगी तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आप उनकी काउंसलिंग ज्यादा कर दो, जैसे अभी उनको नाभि पूरण होती ना। हाँ वही वही वो तो चालू ही है मैम, जैसे पादाभ्यंग को भी वो नहीं मान रहे, बोलते मैं फिसल गई तो क्या, तो नहीं आप मतलब... उनको बोलो कि रात में करके सो जाने का बिस्तर पर। हाँ, और वो इतना मिनिमम लगाना है कि अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, अगर 5 मिनट मालिश कर दिए ना तो तेल ज्यादा नहीं रहेगा, बट तो थोड़ा सा भी जो तेल रहेगा ना वो बहुत काम करेगा। दूसरी बात, पेशेंट को आप ऐसे लोग को ये बोला करो, मैंने बोला है आप करके देखो, अगर कुछ आ जाएगा तो बोलना।
तो जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, नहीं देखिए ना मैम, ऐसा है कि वो ये पेशेंट जो है ना अभी मतलब 6 महीने से आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रही है, बस वो बीच में फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, फिर बीच में आती है, फिर बीच में गायब हो जाती है, तो करना तो वो भी चाहती है, पर एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो होपफुली अब वो थोड़ा कंटिन्यू करे तो एंजाइटी में फर्क पड़ेगा। पर ये चीज अब मैं नेक्स्ट टाइम रस रक्त पाचक थोड़ा ऐड करूंगी, और थोड़ा जैसे आपने बताया शीतोपलादि है तो ये थोड़ा देखकर देखूंगी, क्योंकि थोड़ा कफ तो है उनको, है ना। तो मैं थोड़ा अभी मैंने एक लेक्चर सुना था एक्चुअल में, उसमें वो बता रहे थे, तो फिर मैंने देखा तो फिर काफी अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा ठीक है मैं भी यूज करूंगी, और जो इनके साइन सिम्टम दिख रहे हैं उस हिसाब से बहुत सही है, वात पित्त स्तर ही काम करता है वो ज्यादा। जी मैम, मैं ऐसे पेशेंट में जो ज्यादा वो करते हैं ना शिरोधारा के लिए, तो फिर उनको क्वाद धारा अप्लाई करती हूँ, जटामांसी, वच, ब्राह्मणी और इसका रसनादि का क्वाद का भी दिया जा सकता है ना। हाँ, उसमें तक्र मिला दीजिए, उसी क्वाद में तक्र मिला दीजिए, इतनी अच्छी नींद आती है और इतना रिलीफ मिल रहा है, इतना रिलीफ मिलता है और उनको बहुत अच्छा लगता है। वो तेल से भी ज्यादा ना कॉस्ट ज्यादा देने को तैयार है, बट आप बोलते हैं कि यही तो मेरी पेशेंट करा लेगी, ये आपने अच्छा बताया। नींद आ जाएगा, जटामांसी आपकी अच्छी हो, जटामांसी आदि अच्छे क्वालिटी का होगा ना, उसको डालेंगे थोड़ी, वचा और ब्राह्मणी को डालेंगे, शंख पुष्पी ब्राह्मणी का, और मैं तो इसमें थोड़ा भृंगराज भी डाल देती हूँ, तो क्वाथ मिलाकर दीजिए उसको, तक्र को छान दीजिए और अच्छा सुगंधित बना दीजिए, और फिर इसके बाद अल्टरनेट करके नस दीजिए उनको, बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा। और कुछ हाँ, दो दो उसमें सूत से कर देंगे ना, तो गांठ वांठ भी निकलने लगता है धीरे धीरे पेट से, और गर्मी जी, सूत से कर तो मैम मैंने स्टार्ट किया है अभी, तो मैम एक चीज सिर्फ बताइए कि क्वाथ का शिरोधारा बेटर रहेगा या उसमें तक्र मिलाकर देना अच्छा रहेगा, मतलब तक्र का क्या प्रयोजन है इधर? तक्र का प्रयोजन ये रहता है कि पित्त शामक है वो, अच्छा। और उनको जैसे चाहिए ना कि मेरा बाल चिपकना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो नखड़े लोग होते हैं, तो मैं तो जैसे कफज है, पित्तज है और वातज है प्रकृति, तो उसके हिसाब से डिवाइड कर देती हूँ, वातज वालों को ऑयल करती हूँ, और उनको ना चिरोभ्यंग कराइए बहुत अच्छे से, ब्राह्मणी तेल से, जो चीर वाला तेल है, चीर वाला अच्छे से चिरोभ्यंग कराइए एक आधी बाउल ले करके ना, और फिर इसके बाद तक्र धारा करा दीजिए, ये क्वाथ मिला करके, या मिल्क मिला दीजिए, शायद उसमें तेल भी निकल जाएगा ना मैम, काफी पूरा निकल जाएगा पूरी। मेरे यहाँ तो ऐसी एक पेशेंट आई थी सेम आपके जैसे हो, तो वो मैं एक वीडियो डाली थी सर को, कि इतनी खुश है, बोलती मेरे बाल कंडीशनिंग हो गए, झड़ना भी बंद हो गया, बहुत अच्छा लगा। मैं वही बोलने वाली थी कि तक्र से आप बताओ ना कि वाकई बाल बहुत अच्छे थे, क्योंकि दही से अच्छा तो मैं त्रिफलादी डाल देती हूँ, त्रिफलादी एसटी मधु के साथ ना डाल देती हूँ, तो उसमें भी कंडीशनिंग हो जाते हैं, या आंवला और एसटी मधु भी डाल दीजिए अपने हिसाब से, चीपर भी पड़ेगा है ना। हाँ हाँ, ऑयल से ज्यादा चीपर पड़ेगा, वो क्वात को निकालिए और उस क्वात को प्लांट में डाल दीजिए, तो प्लांट के लिए भी अच्छा खाद बन जाता है, और इस ये तो रोज बनेगा ना क्वात को। हाँ, तक्र वाले को यदि मीठा नीम का पेड़ है ना उसमें डालेंगे तो बहुत जल्दी ग्रोन होता है, बहुत जल्दी। अच्छा हाँ जी मैम, जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नहीं, ये तो मैं शुरू कर दूंगी ये तक, ये मोनिका मैम आप क्या बोल रही थी, आप भी बताइए कुछ। मोनिका मैम जी सर, मुझे ऐसा लगा कि इसको हम विदग्ध क्षण में भी कंसीडर कर सकते हैं, तो उसमें जैसे मैम ने लंघन तो किया ही, साथ में अगर कुछ ऐसा तिक्त घृत वगैरह पिला के उनको अगर वमन भी प्लान किया जाए तो सर वो भी अच्छा काम करेगा ना। क्योंकि जी मैम, मतलब ये मेरा कराने का बहुत ये था, पर मैम ये पेशेंट का वेट बहुत रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ा वमन कराने में डर लग रहा है, क्योंकि वमन के बाद संसर्जन तो होगा और फिर उसमें मतलब। अच्छा अच्छा, आप पहले से ही वो चाह रहे हैं कि उसका थोड़ा आपको वेट गेन भी कराना है बाद में, ठीक है मैम, ठीक है। मतलब इससे कम होगा ना तो वो पेशेंट ही मतलब ये हो जाएगी कि अब मेरा वेट, मतलब वो बहुत एंग्शियस है अपने वेट को लेकर, वो तो बाहर जाती नहीं है, वो अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स के घर नहीं जाती है, उनके साथ कॉल पर उसके हस्बैंड बता रहे थे कि वो इतनी कॉन्शियस है कि मेरा, क्योंकि जहां वो जाती है पूछते क्या हुआ तुमको, कौन सी बीमारी हो गई, क्या हो गया है, क्या हो गया है, तो वो अभी बिल्कुल मतलब सोशल इंटरेक्शन अवॉइड कर रहे हैं वेट लॉस के कारण। जी जी जी, गॉट इट। तो हाँ,
एनीवे मतलब अभी मैं इतना तो स्टार्ट कर रही हूँ ये सब, ये एक जो क्वाथ की धारा बताई है वो एक बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट वीक से सर मैं रस रक्त पाचक भी उनको ऐड कर दूंगी, तो थोड़ा आम पाचन हो गया। मैं मुझे वही थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि किस चीज से आम पाचन करूँ, तो ये अच्छा रहेगा, रस रक्त पाचक ऐड कर दूंगी तो उनका थोड़ा कोष्ट भी शुद्धि भी हो जाएगी धीरे धीरे, और है ना सर? हाँ बराबर है, ठीक है, थैंक यू सभी को, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई केस बताना है क्या? 5 मिनट टाइम है सर, मुझे अन्ना मैम से पूछना था एक केस के बारे में। अंजना मैम आपसे ही पूछना चाहती है, अंजना मैम आप हैं क्या? अंजना मैम खाना खा रही है शायद, ठीक है सर कल पूछ लूंगी, ओके सर प्रणाम, ठीक है। अंजना मैम शायद मैम खाना खा रही है, तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं, फिर मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट सर, गुड नाइट मैम, प्रणाम सभी को।